हेलो बच्चों, वेलकम टू अभियंता मैथ्स। आपका क्यूट सा चैनल अभियंता मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ का आठवां लेक्चर देखेंगे। कैमा लेक्चर, आठवां लेक्चर। सात लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है ना। जो लोग नहीं देखे हैं उसको देख लीजिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाए, और जैसे ही मैं क्लास में एंट्री करूँ आपकी घंटियाँ टन टन बजने लगी। आरआरबी, एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, बिहार पुलिस और अदर स्टेट के जितने भी एग्जाम हैं वो सब में इस रामबाण की तरह काम करता है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग टाइप दसवां देखेंगे, कुछ अलग तरह के सवाल देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में हम लोग को मिलता है ना गाइस। चलिए आइए मेरे साथ। करा 13 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे यदि 4, 5, 6, 7 से विभाजित किया जाए तो हर बार शेष 3 आता है। कितना आता है? 3 आता है। क्लियर? सुनिए एक बार, सबसे छोटा दिमाग में एलसीएम आनी चाहिए, ठीक है। हम लोग इसको ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 2-4, 10 सेकंड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन तक पहुंचने का कोशिश करेंगे। चलो पहला काम क्या करते हैं, जब भी इस तरह का सवाल आएगा आपके पास एलसीएम निकाल लो। किसका किसका? 4, 5, 6, 7 का एलसीएम निकालो, 420 आएगा, है ना। और इसमें शेष कितना आएगा वो जोड़ोगे, जोड़ दिया, कितना आ गया? 423। क्लियर? अब देखो ऑप्शन में है 423, नहीं है, आगे बढ़ेंगे। जो 13 का गुणज होना चाहिए, 13 का गुणज होना चाहिए, ठीक। आगे बढ़ो, 420 गुने क्या करेंगे, 2 + 3 जोड़ो, गुना कर दो, 42 × 84, ठीक है, 843 हो गया। क्लियर? अब देखो उसी तरह से आगे बढ़ो, मान लो 420 गुने 6 कर लिए, ठीक। देखो इसके आसपास ऑप्शन नहीं है, 6 × 24 देखते हैं इधर, 2 से 3 से 4 से 5 से छोड़ दिया गया, ऑप्शन के अनुसार देख रहे हैं, ठीक है। देखो 6 × 24 यहाँ पे 3 आएगा लास्ट में, 6 × 12, 6 × 24 = 25, 25 × 23, 25 × 23 के आसपास 20 है, 22 दोनों मर गया, दो ऑप्शन बचा। आगे बढ़ते जाइए उसी तरह से, 420 गुने उसी तरह 9 बढ़ते हैं, देखो 36 37 दिख रहा है + 3, तो क्या हो जाएगा, 3 लास्ट में आएगा, 9 × 18, 4 × 9 = 36 137, 37 83 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में है ना भी, जो 13 का सबसे छोटा गुणज होगा। क्लियर? एक बार और समझिए अच्छे से, पहले क्या करेंगे, 4, 5, 6, 7 का एलसीएम निकालेंगे, 3 ऐड कर देंगे, इसी तरह से जल्दी कैलकुलेशन करेंगे। अब दो मत पे लगा 843, ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, देखो 2500 तो 6 से लगा दिए, 3 जोड़ दो इतना 2523, 20 सारा मर गया। आगे बढ़ेंगे, देखो 6, 7, 8 चेक कर लेंगे, 9 × 36 दिख रहा था, 3783, ये वाला ऑप्शन नहीं हो, ऑप्शन बी आपका सही हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई कष्ट, राइट डाउन करिए इसको, तो कुछ और सवालों से रूबरू होते हैं हम लोग। चलिए हम लोग अब दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं, क्या करते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। क्लियर? करें संख्या 9 का वह लघुत्तम गुणज बतावें, जो अभी बताया ना पहला सवाल एकदम डिटो उसी का टाइप है, लैंग्वेज को थोड़ा सा क्या किया गया, मॉडलाइज कर दिया गया। करें संख्या 9 का वह लघुत्तम गुणज बतावें जिसमें 5, 6, 7 या 8 से भाग देने पर हर बार 3 शेष बचता है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, 4 ऑप्शन सॉल्यूशन में आएंगे। देखिए पहला काम क्या करते हैं, कितना शेष बच रहा है, 3 फिर दिया, 5, 6, 7, 8 इसका एलसीएम निकाल लो। पहला काम क्या है, एलसीएम निकालो, 5, 6, 7, 8 निकालिए। चलो निकाल लेते हैं, बगल में इधर निकाल लेते, 5, 6, 7, 8 देखो कितना से लगा हुआ, 2 से 5, 3, 7, 4 अब नहीं लगेगा, गुना करो, 5 × 10 आ गया, ठीक, 7 × 21 = 84, 84 × 8 = 40 आ गया आपका एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया, 840, शेष कितना बच रहा है उसको ऐड कर दो, यहाँ से ऐड कर दिए इसको, ठीक, कितना आ गया वैल्यू, 843, 843 आ गया।
फिर अभी क्या बोले आगे बढ़ना है, ऑप्शन नहीं दिख रहा है, 843 ऑप्शन में दिखा आपको, ठीक है, तो इसी को मत मार दीजिएगा, सोचना है थोड़ा, ये देखो तो 9 से कटेगा जी, 8, 4, 12, 3, 15 नहीं कट रहा है, सम अगर नहीं कट रहा है तो 9 से नहीं कटेगा, ठीक, आगे बढ़ जाएंगे, 8, 4, 0 × 2 से गुना करो, यहाँ 1 से 3 जोड़ दो, कितना आएगा लास्ट में 3 होगा, यहाँ से 2 × 4, 8 और 2 × 8, 16, 1683। अब ऑप्शन में देख रहा है लेकिन चेक करेंगे कि 9 से कट रहा है कि नहीं, 9 से काटने के लिए जोड़ो, 1 से 7, 8, 15, 3, 18, 18 आ गया, 9 × 2 = 18 कट रहा है, इसलिए यही हमारा आंसर हो गया 1683। क्या करोगे, 843 नहीं मारेंगे क्योंकि 9 से नहीं कट रहा है, देखना है, चेक करके देख लेना है ऑप्शन, ठीक, यहाँ 2 से किए कट गया, सम अगर कट रहा है 9 से, सारे डिजिट का सम अगर 9 से कट रहा है तो ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा, क्लियर, इसको लिखिए और कुछ सवालों से हम लोग रूबरू होते हैं। अब हम लोग तीसरा सवाल देखेंगे, क्या करेंगे, तीसरे सवालों से रूबरू होते हैं, उसी टाइप का है, आप लोग बनाइए, संख्या 13 का वह लघुत्तम अपवर्त बताएं जिसमें 6, 8 या 12 से भाग देने पर हर बार 1 से बचता है, कितना बच रहा है रिमाइंडर, 1। तो देखो लघुत्तम अपवर्त बोला गया, कहने का मतलब एलसीएम निकालेंगे 6 से 12 का, पहला काम क्या है हम लोग सोल्यूशन में देखेंगे, ठीक है, देखो 2 से 4 सेकंड के अंदर आंसर आएगा, देखिए सबसे पहले एलसीएम निकालोगे किसका किसका, 6, 8 और 12 का, निकालिए इसका, 24 एलसीएम आ जाएगा, 12 × 2 = 24 सबसे कट रहा है, ठीक, 24 आ गया एलसीएम इसका, 6, 8, 12 का, अब शेष 1 बच रहा है तो 1 इसको ऐड करो, 25 आ गया, क्लियर, अब यहाँ से आगे बोलो 24 × क्या लिखे, ऑप्शन में है नहीं 25, अब 13 से कटेगा नहीं कटेगा, आंसर ही नहीं होगा, 24 × 2 + 1 करो, 24 × 48 = 49 आ गया, ये भी नहीं 13 से कटेगा, उसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, 3, 4, 5, 6 इसी तरह हम लोग करेंगे, देखो 24 × 7 करते हैं, +1 करते हैं, 7 × 28 एक जोड़ दिए 29, 7 × 14 216, 169 आ गया, देखो 13 से कट जाएगा, 13 × 13 = 169, ऐसे 2, 3, 4, 5, 6 चेक कर लेना खुद से, ठीक है, तो देखेंगे थोड़ा ऑप्शन के अनुसार, ठीक है, 169 आ गया, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, आई होप वीडियो अच्छा लग रहा होगा, है ना, पूरा वीडियो को देखिए तब मजा आएगा, थोड़ा सा देखने से मजा नहीं आता है, कुछ और सवालों से रूबरू होते हैं हम लोग, क्लियर, राइट डाउन करिए। अब चौथा सवाल देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, चौथा सवाल, देखो बहुत ज्यादा सवाल क्यों कराया जाता है, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए और एग्जाम में टाइम बहुत कम लगे और लगे कि कुछ नया है ही नहीं, ठीक है, जाना पहचाना सवाल, इसलिए ज्यादा किया करवाया जाता है, कमजोर छात्रों के लिए जो है ना रामबाण की तरह काम करेगा, है ना, इसलिए पढ़ाई करते रहिए, मजे में रहिए, आइए मेरे साथ बने रहिए, देखते एक और प्यारा सा तना सा छोटा सा सवाल है ना, लैंग्वेज का खेल कर रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या एलसीएम, छोटका एलसीएम, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 11 का गुणज, 11 का गुणज है, 11 का गुणज है तथा उसमें 10, 25, 28, 35 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है, कितना शेष बचता है, सवाल वही है, पूछने का तरीका बदला हुआ है, फट सुन निकालो जल्दी से, एलसीएम निकालो 10, 25, 28, 35 का, कितना आएगा देख लेते हैं, निकाल लो फट सुन, 10, 25, 28, 35 700 आना चाहिए, देख लेते हैं हम लोग, चलो 5 से लगा दो, 5 × 2 = 5, 28, 5 × 35 क्लियर, 7 से लगा दो, 2, 5, 4, 1 2 से लगा दो, 1, 8, 2, 1 हम लोग को आंसर चाहिए, देखो 5 × 10 देखो एक बार 5 × 10 हो गया, इधर 7, 35 × 70 70 × 7 = 700, ठीक है 700 आ गया एलसीएम, ठीक है, अब देखो शेष कितना बच रहा है 5, तो जोड़ दो 5, कितना आया जी 705 आ गया, क्लियर,
705 हो गया। और 705 देखो 11 से कटेगा, ऑप्शन में भी नहीं दिख रहा, ठीक चलिए आ गया, कटेगा भी नहीं 11 से। उसी तरह 700 गुने क्या करेंगे, 2 अब प्लस 5 करो, 1405 हो जाएगा, 1405 हो जाएगा, क्लियर। 1405 भी नहीं दिख रहा ऑप्शन में, कटेगा भी नहीं 11 से, ठीक आगे बढ़ते जाएंगे। इसी तरह से हम लोग 700 × 4 कर लेते हैं, प्लस 5 देखो तो 7 × 4 = 2800 और 5 = 2805 आ गया। ऑप्शन में दिख रहा है, चेक करते हैं हम लोग 11 से, 11 बन जाए, 11 × 2 = 22, ठीक है। कितना बचा, 6 × 11 = 55, 5 × 11 = 55 कट गया, इसलिए आंसर हो गया आपका ए, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छा लग रहा होगा, प्लीज लाइक शेयर करते रहें, मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद बहुत बहुत। एकदम कमजोर छात्र के लिए जो है ना, एकदम क्या बोलते हैं उसको, वही रामबाण की तरह काम करेगा मैथ्स। इस चैनल पर मैथ्स को हम लोग फील करते हैं, मैथ्स को सीखते हैं, पढ़ते नहीं हैं। हेलो गाइस, थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ओके गाइस।